टाइगर फोर्स पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपोजिशन को पैगाम देना चाहता हूं कि ये सियासत का वक्त नहीं। मौके खुसूसी उस्मान डार ने वाज़े किया, कहा 10 लाख नौजवान पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के जरिए रजिस्टर हुए। टाइगर फोर्स पर आवाम के टैक्स का एक रुपया खर्च नहीं किया गया। वजारत सेहत के साथ मिलकर हेल्थ प्रोफेशनल्स का मैकेनिज्म बनाएंगे। घर घर राशन पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये वक्त सिर्फ आगे बढ़ के काम करने का है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, एनार्की फैलाने का नहीं है, अफरा तफरी फैलाने का नहीं है। ये वक्त है मिलके काम करने का और कौम को, पाकिस्तानियों को होप देने का। इतनी बड़ी तादाद 10 लाख के करीब आई है, इनको इलेक्ट्रॉनिक एक QR कोड की ID दी जाएगी ताकि ये काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये अपने मोबाइल फोन पे उस ID को भी जो मुतलका सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको प्रेजेंट कर सकें। ऐसे ही हम इनको अपने हेल्थ मिनिस्ट्रीज के साथ एंगेज कर देंगे और कोरोना के सिलसिले में 17,000 के करीब ऑलरेडी हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि काफी बड़ी तादाद में इन वॉलंटियर्स में से हमें बहुत सबको अपनी हेल्थ फैसिलिटीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तकरीबन हर जगह इनको जिस चीज का सामना है वो लॉकडाउन का है, वो राशन भी देना चाहते हैं।